सारे भाई ना मेरी राम राम भाई, मैं इस टाइम आ रहा हूँ बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ का मैं कई बार सर्वे भी कर गया था पहले, और आज फिर आ गया भाई। यहाँ के जो समीकरण है हरियाणा से थोड़ा सा अलग है, यहाँ के समीकरण कहीं ना कहीं भाजपा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भाजपा थोड़ी सी गायब है ऑनेस्टली, क्योंकि जो मैंने सर्वे निकाल रखे हैं महीना पहले के, दो महीना पहले के, वो भी आप देख सको हो। और अभी ये जो कार्यक्रम है इनेलो का कार्यक्रम है, और इनेलो के कार्यक्रम में दो चार भाई मेरे गले भी खड़े हैं, उन भाइयों को दिखाने से पहले डिसाइड हो जा रहा है अभी दिखाने, उन भाइयों को दिखाने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इनेलो से यहाँ पे से हैं नफे सिंह राठी जी, पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो अच्छी वोट थी, बिगन उन्होंने अच्छा कंपटीशन दे रखा था, दूसरे नंबर पे थे वो भाजपा कंपटीशन में। अब की बार भाजपा की यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव सी इमेज है, एक दो जगह जब कौशिक साहब प्रोग्राम करने के लिए गए हैं उनको थोड़ा सा लोगों ने नकारा है उस कार्यक्रम को, क्यों नकारा है पता नहीं, पॉलिटिकल इश्यू है, कोई स्टंट है या क्या रीज़न है वो पता नहीं। दो चार भाई खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस बारे में। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, एक नंबर। अच्छा, कार्यक्रम है नफे जी का यहाँ पे? हाँ, नफे सिंह राठी का भाई। कैसा कार्यक्रम चल रहा है? बढ़िया चल रहे हैं भाई, तड़के शांति हम गला रहे हैं। अच्छा, एक नंबर की जो जनसभा पूरे भादरड़ हल्के में अरगामा में होने ला रही ना, इन तबत्ती जनसभा शायद ही किसी की होती होंगी। ऐसा क्यों? इनके प्रति दीवानी है भाई नफे सिंह राठी और इंडियन नेशनल लोकदल की, यहाँ पूरी लहर है भादरड़ हल्के में। 19 किस्म है नफे सिंह है या इनेलो है? इनेलो है, सबसे पहले तो इनेलो है। अच्छा, इनेलो से ही चश्मे का निशान है, उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो राठी जी की पर्सनल वोट बैंक और इनेलो का पर्सनल वोट बैंक कितना इमेज बना सके यहाँ पे? बढ़िया विधायक बनेंगे जी, 24 तारीख को एमएलए हैं। देखो हरियाणा में भाजपा की भी एक लहर है, यहाँ पे वो कम क्यों है? क्योंकि मैं सीधा बोलने आदमी हूँ भाई, भादरुड़ कभी से इनेलो अगड़ रहा है भाई। अच्छा, बीच में थोड़ी ऐसी बातें होगी थी। अच्छा, अच्छा। ना तो भादरुड़ कभी से ही देवीलाल जी के टाइम से ही गढ़ रहा, और अब फिर वही टाइम आएगा, फिर इंडियन नेशनल लोकदल जीतेगी, नफे सिंह राठी जीतेंगे, एमएलए बनेंगे भादरुड़ तीसरी बार। भाई साहब भाजपा में क्या कमी लगी? भाई साहब भाजपा झूठी सरकार क्यों कर लगी आप न्यू बताओ, एक छोटी बात पूछ लिया, पहले खाते खुलवा दिए ठीक है, बोला 15-15 लाख रुपया आ जाएंगे, छक्का लोगों ने बैंक में खाते खुलवाए, मैंने को 5-5 हज़ार भी आए हो किसी भाई के पूछ लो ठीक है। मैंने एक छोटी बात बताओ, आज बीएड करे हुए बच्चे डी ग्रुप के फार्म भरे हैं, चपड़ासी लागे माड़ी लागे रहा, चपड़ासी माड़ी का काम करना था तो 10वीं पास भी कर लेता, बीएड करके जो आज के टाइम प्राइवेट कॉलेज में बालका ने पढ़ा हुआ है, अपना कह रहा कर्जा भी करता हुआ किसान आदमी ठीक है, डी ग्रुप की नौकरी पकड़े हैं, इतने खर्चे में तो प्राइवेट धंधा कर लेगा, वो भी फालतू कमा लेगा, क्या जिंदगी रह जाए। किसी ने अगर नौकरी मिलती हो तो ये बताओ, हम हाँ वो भाई है किसी बड़ी आदमी ने बता दो किसे भाजपा सरकार में बढ़िया नौकरी मिली हो, सारे प्राइवेट। भाजपा पे आप नहीं जाते, यहाँ की बात करना बहादुरगढ़ की, नरेश कौशिक नाम है ना? हाँ जी। उनमें क्या कमी लगी? कमी किसी में भी नहीं है, उनका विकास है जो वो थोड़ा डेवलपमेंट है वो थोड़ी बहुत ही कम है, और नफे सिंह जी हैं उनको चाहे आधी रात को जाके मिल लो, उनके ऑफिस पे यहीं बैठे रहते हैं, मिलते रहे हैं। हाँ जी, हर बाकी इलेक्शन टाइम में कट गए हैं बार। नहीं नहीं बिल्कुल, हर टाइम मिलते रहते हैं, उनका ऑफिस है। अच्छा। और क्या नाम, किसी टाइम भी कोई भी बंदा जाए किसी टाइम भी मिल सकता है, और किसी रात ये नहीं है कि अभी वो बिजी हैं, कोई दूसरा आदमी जाएगा उनसे पूछने जाएगा तब उनको मिलना पड़ेगा, नहीं कोई ये जा सकता है, यानी ये जा सकता है, किसी को भी जाके अपनी समस्या बता सकते हैं और तुरंत हल होती है जी। सारी गलियाँ नफे सिंह राठी के टाइम की बनी हुई हैं, ये गलियाँ। हाँ ये गलियाँ ये देख लो ना आपके सामने ही है भाई, देखो गली दिखाओ दूर तक, अभी आप यहाँ एक घंटा रुक जाओ, अगर बारिश होगी ना तो यहाँ मेरे ख्याल से इतना पानी हो जाएगा, आना जाना खत्म हो जाएगा, कोई शिवर का काम नहीं हुआ, कैसा भी कोई भी काम नहीं होता यहाँ पर, ये है बस सरकार है भाई, किसी से कोई गल्ला शिकवा नहीं है। सरकार तो नुकाय बहादुरगढ़ में 23,000 करोड़, 2,350 करोड़ देख लो, 2,350 करोड़ तो आपके सामने है, देख लो के विकास हो रहा है, ऊपर देख लो के विकास हो रहा है, गली देख लो, गरीब आदमी गरीब हुआ है, फॉर्चुनर आई फॉर्चुनर बड़ी गाड़ी आ नहीं सकती, मैं कह रहा हूँ भाई साहब गरीब आदमी और गरीब हुआ है, अमीर आदमी और अमीर हुआ है इस सरकार। आप लाइव चल रहे हो आप, ठीक है छोटी ही बात बताऊंगा, बारिश का मौसम हो गया ये बूंद पड़ेंगी, और मैंने कहा आप क्या खड़े खड़े पड़ जाने, यो पानी मतलब ये कार चालन का कोनी, अरे बोट चला लियो आप,
पानी को नहीं लिकड़ा है ये बड़ कारण माँ बाप घर लगो लिया कहते नाले में डूब। जब हम भाजपा के किसी व्यक्ति से किसी से भी पूछा ना जी पानी इतना हो जाए, उन्होंने कहा जी 10 मिनट पानी दो फिर गायब हो जाए। यहाँ की सच्चाई क्या है? तो मैं वो आया कहीं आप तो और लाइव मैं दोनों पूछू ना मारते निकल जूंगा एक 10 मिनट कहीं और रुक जियो हमारी खातिर। सच्चाई तो मेरा लग जाएगी, पत्रकार का काम सच्चाई दिखाना हुआ है। सच्चाई दिखाने के लिए आप पूरे हरियाणा में घूमो, एक 10 मिनट आज रुक के देख लो। भगवान तोड़ कर भाई साहब, और हो सके तोड़ा आज आपका हाथा हो जाए इब्बो हो जाए। चलो भाई ठीक है। अरुणा फेर सिंह राठी की बता दूं जी, सबसे बड़ी बात नेता में क्या होनी चाहिए। मैं नहीं कहूँ पार्टी कोई भी हो, जो नफे सिंह राठी जी में खासियत है वो बताता हूँ। आप कांग्रेस के दफ्तर में चले जाओ, बीजेपी के में चले जाइयो, इनएलओ पार्टी ठीक है, इनएलओ पार्टी के किसी दफ्तर में कोई भी भाई काम लेकर जागा ना, उसके बारे में ये नहीं पूछा जाता कभी भी, भाई वोट कड़े दी थी किसका आदमी है। तो कौशिक साहब ऐसा पूछा? मैं नहीं कहता कौशिक साहब पूछा, सुनो पर क्या हुआ है, इन पार्टियां हमने खूब देखा है, इनका क्या सिस्टम है ना जियो, अपना मानस को काम नहीं करना है ठीक है। और नफे सिंह जी की क्या आदत है, कोई भाई काम चले गया कोई नहीं पूछेगा, जियो काम है भाई फलाने का काम कराओ। नेता होना चाहिए जी सर, यह क्वालिटी आपने सिर्फ इनेलो पार्टी के नेता पास के और किसी हम नहीं पाओगे। भाई साहब कुछ रोजगार के बारे में कह रहे थे सर। रोजगार भाई साहब मेरे को क्या, आप किसी से ही पूछ सकते हो कैसा काम है, कोई नौकरी नहीं, नौकरी ना मिलती, सारे फैक्ट्रिया में लोकल आदमी मन को रखता है को ना, कह देना नू बिता दी भाई लोकल, हाँ भाई जाट के बालक है आज जोड़ जा है, अरे कोई बिहारी बन के जा जब नौकरी मिल जावे, बताओ क्या कमी रहेगी। पवार ला दो बेसक नौकरी ले लो। हाँ बिल्कुल ठीक है, सच्चाई है जी। आप आड़े के किसी बालक ने यो रे 17 सेक्टर आड़े तक क्या किलोमीटर है, जाके देखो तो क्या एक नौकर बालक नौकरी ला गए। काम बंद हो गए, जितनी भी छोटी छोटी फैक्ट्रिया थी सारी बंद होगी, काम किसी फैक्ट्री में, बड़ी फैक्ट्रिया में लिमिटेड फैक्ट्रियों में काम मिलता को ना, छोटी हम कोई रखता को ना, क्या करा जाए। अब मेरे से ज्यादा इन भाइयों से पूछो कैसा है, स्कूल व्यवस्था पूछ लो कैसी है, किसी चीज के बारे में बात कर सकते हो आप यहाँ के। हाँ भाई वैसी फैक्ट्री बंद होगी बिल्कुल। अच्छा चलो भाई, ये छोटी छोटी बातें सी यहाँ पूछी थी, और एक यहाँ का जो समीकरण है जो अंदरूनी खातों चले हैं, जो बहुत सारी बातें टेक्निकल इन भाइयों ने नहीं पता, उसके बारे में भी जिक्र करांगे। एक स्पेशल वीडियो यहाँ को लेकर बनाई जाएगी, और नफे सिंह जी अगर थोड़ा सा टाइम दे देंगे आधा इंटरव्यू उनका भी ले लेंगे, घर पूछ लेंगे, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ की तहत तक की नॉलेज अच्छी है। तो तब तक के लिए बाढ़ देखिए, धन्यवाद, जय हिंद भारत माता की, जय।